हे hey दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी आईफोन को या फिर किसी भी एंड्रॉइड फोन को डुअल सिम कैसे बना सकते हो। आप लोगों को पता है कई फोन डुअल सिम के साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी एक नई चीज शुरू हो गई है जो कि है ई सिम, जो कि आपको आईफोन XS में देखने को मिल जाती है, आईफोन XS मैक्स में देखने को मिल जाती है, और आप लोगों को वही सेम चीज पिक्सल 3 में भी देखने को मिल जाती है। मतलब दो सिम तो दे देते हैं मोबाइल वाले, लेकिन एक उसमें होती है फिजिकल सिम, दूसरी होती है उसमें ई सिम। लेकिन ई सिम हम लोगों को कैसे रजिस्टर करनी है, कौन कौन से ऑपरेटर रजिस्टर करा रहे हैं ई सिम, वो सब अभी हमें नहीं पता। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ई सिम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और इवन आईफोन 6 को, मेरे पास यहां पे आप लोग देख सकते हो आईफोन 6 प्लस है, मैं इस फोन में ई सिम चलाने वाला हूं। मतलब आईफोन XS नहीं है मेरे पास, आईफोन XS मैक्स नहीं है मेरे पास, तो मैं आईफोन 6 में, जो कि बहुत टाइम पहले फोन लॉन्च हुआ था, आईफोन 6 में मैं कैसे ई सिम चलाने वाला हूं वही आप लोगों को दिखाऊंगा। बिल्कुल सही तरीके से काम करती है, फोन पे आपको कॉल करके दिखाऊंगा। इसी फोन से दो अलग अलग नंबर आएंगे और इसमें कोई फिजिकल सिम प्रेजेंट नहीं है, जो नेटवर्क है वो वायरलेसली आ रहा है और ई सिम के थ्रू आपका जो नेटवर्क है वो आ रहा है और आप ई सिम के थ्रू कॉल कर सकते हो। काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, काफी अच्छी है। चलिए आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को कैसे करना है और कैसे रजिस्टर करना है अपने फोन को ई सिम के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आईफोन 6 प्लस है और ये आप लोग पीछे से भी देख सकते हो 6S नहीं है, 6 प्लस है और ये काफी पुराना आईफोन है। तो इसमें भी मैं डुअल सिम आप लोगों को चला के दिखाने वाला हूँ। बाय द वे गाइस, आप सभी को पता है आईफोन 6 में सिंगल सिम ही चलती है, यहाँ तक कि आईफोन 10 में भी सिंगल सिम ही चलती है जो कि मेरे पास है, बट मैं आपको डुअल सिम इसमें चला के दिखाने वाला हूँ ई सिम की मदद से। तो ये जो नई सर्विस है ये BSNL ने स्टार्ट करी है। BSNL को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर मैं सिम ट्रे निकाल के दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है सिर्फ सिंगल सिम ही डलती है पूरे फोन में, तो यहाँ पे डुअल सिम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाय द वे सबको पता ही है, बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे सिम ट्रे निकाल करके दिखा रहा हूं। तो इसको हम जल्दी से वापस लगा लेते हैं सिम ट्रे के अंदर और आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अभी नो सर्विस दिखा रहा है, थोड़ी देर में आ जाएंगे सिग्नल्स क्योंकि अभी अभी सिम डाली है मैंने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर वोडाफोन इनके सिग्नल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कॉल करूंगा अपने दूसरे फोन पे, ताकि जो आप लोग को दिखा सकूं कि इसमें दो सिम काम कर रही है। इसी फोन से फोन करने वाला हूं अपने फोन पे, बट दोनों बार अलग अलग नंबर से फोन करूंगा। तो पहले कर लेते हैं वोडाफोन वाले नंबर से कॉल। तो आप लोग देख सकते हो मैं कॉल कर रहा हूं और यहां पे कॉल आ चुकी है मेरे पास, मेरे दूसरे वाले फोन पे। तो यहां पे मेरा फोन में नंबर सेव है और आप लोग देख सकते हो इस वजह से जो नेम है वो लिखा रहा है। तो अब मैं दूसरी सिम से कॉल करके आपको दिखाता हूं। जो दूसरी सिम है वो इस सर्विस के थ्रू चलती है और ये सर्विस आपको कैसे एनेबल करनी है ये सब मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहां पे जो दोस्तों आप लोग देख सकते हो दूसरी सिम से मैंने कॉल करी है और वो भी काम कर रही है और इसमें कोई फिजिकल सिम प्रेजेंट नहीं है। तो एक तरीके से ये वायरलेसली काम कर रही है ई सिम की तरह। नंबर भी दूसरा आ रहा है इस बार और यहाँ पे देख सकते हो मैं कॉल कर रहा हूँ अपने ही आपको, अपने ही नंबर पे। तो यहाँ पे जो BSNL ने नई सर्विस निकाली है, सर्विस का नाम है BSNL विंग्स। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है या फिर कहीं पर भी जाना है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है BSNL विंग्स। तो BSNL विंग्स ऑल ओवर इंडिया सर्विस अवेलेबल है, लेकिन चालू सिर्फ कुछ जगहों पर हुई है। तो यहाँ पे आप ऊपर वाले जो टैब है सबसे पहले उसी पे लिंक पे क्लिक कर दीजिए, विंग्स BSNL पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी, न्यू यूजर वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी जो स्टेट है वो चूज कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ से रहते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, एक ऑल्टरनेट नंबर चाहिए होता है आप लोगों को पता है। उसके बाद ये पूछेगा आप आईफोन में चलाना चाहते हैं कि एंड्रॉयड में चलाना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक फोटो आईडी देनी पड़ेगी, जो फोटो है वो 100KB के अंडर होनी चाहिए, जैसा हर वेबसाइट का रूल होता है अपना। तो 100KB के अंडर आप अपनी फोटो अपलोड कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको एक QR कोड दिया जाएगा। तो QR कोड का आपको करना क्या है, आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है GS Wave। इसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड स्ट्रीम वेव। तो इसमें आपको सेटिंग में जानी है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट सेटिंग में जानी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ऑपरेटर है वो BSNL लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। आपको ऐड के बटन पे जाना है, ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको UCM अकाउंट स्कैन QR कोड पे क्लिक करना है। अब जो QR कोड आपको वेबसाइट ने दिया है वो QR कोड आपको
यहाँ पे स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन कर दोगे आपकी सर्विस अनेबल हो जाएगी, मतलब एक्टिवेट हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हो और नोटिफिकेशन पैनल पे भी लिखा आएगा कि रजिस्टर्ड सिम BSNL, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोग देख सकते हो eSIM कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। और iPhone 10 नहीं है तो iPhone 6 है गाइज, और iPhone 6 में भी आपकी डुअल सिम चल रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि डुअल सिम आप अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से कैसे चला सकते हो। सबसे पहले न्यूज मैंने ही आप लोगों को दी है, तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना आसान था eSIM से कॉल करना और eSIM पे रजिस्टर करना। अब ये जो सर्विस है BSNL Wings, ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, लेकिन अभी सभी स्टेट्स में चालू नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग दिल्ली में हो या मेन मेजर सिटीज में, स्टेट्स में हो, तो आपका काम हो जाएगा। और एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सर्विस वाईफाई पे या नेटवर्क पे चलती है, मतलब आप लोगों के फोन में नेट होना चाहिए। दूसरे को, आप जिसको कॉल कर रहे हो उसके फोन में नेट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसके फोन में नेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसके फोन में वाईफाई नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट आपके फोन में नेट होना चाहिए और आपका कॉल उस तक पहुंच जाएगा डेफिनेटली। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से काम करती है, और सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। तो बहुत ईजी तरीका है गाइस, मेरे हिसाब से इसी तरीके से eSIM आएगी बाकी ऑपरेटर्स की भी। BSNL Wings काफी अच्छी सर्विस है, BSNL को हमेशा अंडर एस्टिमेट करके नहीं रख सकते। तो BSNL ने काफी अच्छे से काम कर दिया, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी, और ये वीडियो शायद पहली बार आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलती है और कहीं पर भी नहीं मिली। तो कंटेंट बहुत यूनिक है और काफी एक्सक्लूसिव है, तो इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।